अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। अनंतनाग में हमारे डीसी साहब जो हमारे डॉक्टर पीयूष सिंगला जी है, हमारे एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज अहमद मीर साहब और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के यहाँ पे जो ये ट्रैफिक जामिंग का आप देख रहे हैं कि पूरे कितना जामिंग का यहाँ पर अनंतनाग में लोगों को दिखने को मिलता था, जहाँ पर कि यहाँ रोड तक 20 मिनट लगते थे और इसी जनरल बस स्टैंड को पास करने में 1 घंटा 45 मिनट लगते थे। आज आपने खुद इस चीज़ को विटनेस किया कि पहली बार इस जनरल बस स्टैंड में 45 फुट वाइड रास्ता वो खुला हुआ है और जो हकीकतन में 1 मिनट लगना चाहिए था यहाँ पर गाड़ियों को पास होने में, वही 1 मिनट जो है आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हमें पता है कि हम जो वेंडिंग मार्केट है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इनको जगह फराहम करनी है इज्जत के साथ। जिस तरीके से रास्ते पे बैठते थे लोगों को तकलीफ होता था, ट्रैफिक जामिंग होती थी, हमने बाज़ाब्ता तौर इनके वेंडिंग मार्केट कुछ यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर कुछ 97 के करीब, ये 280 के करीब है और बाकी जगह पर भी हम इनको एकोमोडेट कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्टर्स का, ट्रेडर्स का, स्ट्रीट वेंडर्स का, सबका मशहूर हूँ जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये इस शहर की बहबूदी के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है और बिलखसूस में यहाँ पे हमारे एसएसपी साहब और डीसी साहब और एसएसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिनका पूरा अमला यहाँ पर आपने देखा, चाहे एसपी साहब हो, एसएचओ साहब हो या एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर है, इंजीनियरिंग विंग है, सारे मिलजुल के और लोग भी आप देख रहे हैं। मकसद एक ही है कि इस शहर को डिकंजस्ट करना है और जिसकी जो जगह है वो रहे स्टैंड वाला अपने स्टैंड में रहे, स्ट्रीट वेंडर्स वाला अपने वेंडिंग मार्केट में रहे, ताकि लोगों को, हम सब लोगों की खिदमत के लिए है, लोगों को चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो। दुकान आज आपने देखा एक ड्राइव शुरू की है, जो मैंने कहा फिर मैं कहूँगा डीसी साहब और एसएसपी साहब और म्यूनसिपलिटी मिलजुल के आपने जो देखा कि पूरे शहर में जो भी फुटपाथ पे कहीं पर सामान रखेगा वो सारा सील हमने सुबह से किया और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।